जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए एजुकेशन के बारे में। पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमए एजुकेशन क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, इसको करने के क्या फायदे हैं, इसको करने के बाद में क्या हम एमएड के इक्वल होते हैं। तो आपके एमए एजुकेशन को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए एजुकेशन के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए एजुकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो साथियों, इसके लिए आपने अपना बीए कंप्लीट किया हुआ हो। बीए में ऐसा नहीं है कि आपने अपना एजुकेशन सब्जेक्ट से ही बीए किया हुआ हो। आपने बीए में कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसके बाद एमए एजुकेशन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कंडीशन रखी जाती है कि भी आपने यदि बीए में आपके पास एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम आपको एमए एजुकेशन से नहीं करा सकते। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में 95% यूनिवर्सिटीज में जो क्राइटेरिया है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप एमए एजुकेशन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें साथियों, इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, फीस डिपेंड करती है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, और प्राइवेट कॉलेज भी है तो आपका किस टाइप का कॉलेज है। तो यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो वहां पर फीस बहुत कम लगती है, वहां पर आपकी 2 से 3 हजार रुपए आपकी इसकी फीस रहेगी। यदि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी 10 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक की हो सकती है पर ईयर की फीस। तो फीस डिपेंड करेगी आपके कॉलेज के ऊपर कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अब बात करते हैं साथियों, इसको करने के क्या फायदे हैं, एमयू एजुकेशन करने के क्या फायदे हैं। तो साथियों, सबसे पहला फायदा तो आपको यही है कि आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। यानी कि एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो जो पीजीटी की वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आपको एजुकेशन सब्जेक्ट में अपना एमए करने के बाद में आपको क्या करना है, रिसर्च की तरफ जाना है, पीएचडी करना है, तो आप एमए एजुकेशन करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। एजुकेशन में आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। एमए यदि आप एजुकेशन से कर लेते हैं तो आप अपना एजुकेशन में ही यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि एजुकेशन सब्जेक्ट से आप क्या दे सकते हैं, अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं जब आप एमए एजुकेशन से कर लेते हैं। उसका फायदा यह होता है, यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है तो आपको मिल जाता है जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए अमाउंट मिलता है पर मंथ, जिससे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप अपनी क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट का भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो जब आप एमए एजुकेशन से कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, जो बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ाने के लिए। यानी कि आप डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है तो भी आप एमए एजुकेशन से यदि आपने किया है तो डीएलएड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों, एमए एजुकेशन करने के और क्या फायदे हैं, ये तो कॉमन सी चीज होगी जो लगभग सभी जानते हैं। साथियों, यदि आप एजुकेशन की लाइन में हैं, आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो यदि आपने अपना एमए कर भी लिया है, किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया है, तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप एमए एजुकेशन से जरूर करें। आपने बीएड कर लिया है तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एमए एजुकेशन से जरूर करें, क्योंकि एमए एजुकेशन से करने का फायदा यह है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जहां पर एमए एजुकेशन आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, तो यदि आपने एमए एजुकेशन से किया है तो आपको क्या दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। इससे आगे बात करें साथियों, और भी बहुत सारी इसी टाइप की जो आपको फैसिलिटी मिल जाती है, और भी बहुत जगह आपको इस टाइप की प्रायोरिटी आपको दी जाती है यदि आप एमए एजुकेशन से करते हैं। अब एक क्वेश्चन, क्या एमए एजुकेशन एमएड के इक्वल होता है। तो साथियों, दोनों ही कोर्स अपने अपना अलग अलग वैल्यू रखते हैं। एमए जो आपका एजुकेशन से है वो उसकी अलग वैल्यू है, और एमएड आपका अलग आपका जो उसकी वैल्यू है। यदि आप एमएड करते हैं तो एमएड करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। एमएड के बाद में आप जो बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन एमए एजुकेशन करने के बाद में बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपको पढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं। तो एमएड अपना एक अलग वैल्यू रखता है और आपका जो एमए एजुकेशन है वो अलग वैल्यू रखता है। हाँ, एमए एजुकेशन उनके लिए अच्छा है कि जो अभी वर्किंग में है, कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, और आप अपना जो है जो छुट्टी लेकर के अपना एमएड रेगुलर से नहीं कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट से या फिर डिस्टेंस से क्या कर सकते हैं, एमए एजुकेशन कर सकते हैं, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं और जॉब के साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपना एमए एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन एमएड आप अपना जो है डिस्टेंस या प्राइवेट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। एमएड क्या है, आपका एक रेगुलर कोर्स है, तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है और कहीं ना कहीं एक एमए एजुकेशन की वैल्यू अलग ही है यदि आप एजुकेशन की लाइन में हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यूट्यूब पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।